किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के हजारीबाग में यहाँ यह प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। आप लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं कि टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, और हम लोग अपना कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव, हरियाली सप्ताह, आज दिनांक 8 जुलाई 2022 को हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल दारुवन प्रक्षेत्र अंतर्गत आप सभी गणमान्य जनों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, प्रणाम। मुख्य अतिथि एवं गणमान्य पदाधिकारी सभी पधार चुके हैं, आप सभी का अभिनंदन स्वागत है। आप सभी का इस सुहाने से मौसम के सुहानी सी सुबह के बहुत ही अनोखे दिन में, आंखों में खुशी, लबों पे हंसी, गम का कहीं नाम ना हो, ये सुबह लाए आपके जीवन में इतनी खुशियां कि कभी आप ये खुशियों के सामना हो। और कार्यक्रम की शुरुआत के साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगा माननीय पर्यावरणविद श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह सर का कि वे आए स्वागत गान प्रस्तुत। जोरदार तालियों के साथ श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह सर। बड़ी पदाधिकारी वन विभाग के आदरणीय सौरभ चंद्रा सर, जेपी केसरी सर और तमाम गणमान्य, पर कि हम लोग वन वंदना से शुरू करें। हम आगे आगे गाएंगे, आप लोग गा सकेंगे तो गाएंगे, नहीं गाएंगे तो सदापूर्वक कृपया खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ लें जो जोड़ सकते हैं। मंगलकारी कष्ट निवारी जीवनदायी बन, करते हम तेरा वंदन, करते हम तेरा वंदन। मंगलकारी कष्ट निवारी जीवनदायी बन, करते हम तेरा वंदन, करते हम तेरा वंदन। जीव जगत के आश्रय दाता, वन जीवों के भाग्य विधाता, जीव जगत के आश्रय दाता, वन जीवों के भाग्य विधाता। कितना मनहर तू कानन, करते हम तेरा वंदन, करते हम तेरा वंदन। स्वच्छ हवा जल देने वाले, मधुरस घन बरसाने वाले, स्वच्छ हवा जल देने वाले, मधुरस घन बरसाने वाले। तेरा हरा भरा आंगन, करते हम तेरा वंदन। मंगलकारी कष्ट निवारी जीवनदायी वन, करते हम तेरा वंदन, करते हम तेरा वंदन। ऋषि मुनि के ज्ञान प्रदाता, राम कृष्ण के आश्रय दाता, दे दो शांति जन गण मन, करते हम तेरा वंदन, करते हम तेरा वंदन। मंगलकारी कष्ट निवारी जीवनदायी वन, करते हम तेरा वंदन, करते हम तेरा वंदन, करते हम तेरा वंदन।
आइए तीन नारे लगाएंगे हम लोग। पहला नारा होगा, मैं बोलूंगा बन से जो करता है प्यार, आप सभी हाथ उठाकर बोलेंगे समझो उसका बेरा पार। बन से जो करता है प्यार समझो उसका बेरा पार। बन से जो करता है प्यार समझो उसका बेरा पार। दूसरा नारा होगा, मैं बोलूंगा वृक्षों का सुंदर संसार, आप सभी बोलेंगे मांग रहा मानव का प्यार। वृक्षों का सुंदर संसार, वृक्षों का सुंदर संसार। तीसरा और अंतिम नारा होगा, मैं बोलूंगा भालू बाघ और हिरन हाथी, आप सभी बोलेंगे ये सब हैं जीवन के साथी। भालू बाघ और हिरन हाथी, भालू बाघ और हिरन हाथी। धन्यवाद। सर्वप्रथम आदरणीय RCCF सर, श्री JP केसरी सर, हमारे साथी DFO हजारीबाग वाइल्ड लाइफ श्री अवनीश कुमार चौधरी, हमारे साथी राहुल मीना IFS अटैच्ड ऑफिसर, यहाँ उपस्थित सभी ACF रेंज ऑफिसर, विभिन्न फील्ड से आए हुए सभी बीट ऑफिसर, सब बीट ऑफिसर उपस्थित, हमारे सारे साथीगण जितने विभिन्न कॉलेज से आए हुए प्रोफेसर, लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर्स, हमारे सारे विद्यार्थीगण और उपस्थित सभी ग्रामीणों, वन समिति के अध्यक्ष सदस्यों और आप सभी गणमान्य लोगों को इस शुभ बेला पर हार्दिक नमन। एक बेहद महत्वपूर्ण घड़ी के हम लोग साक्षी होने जा रहे हैं, वो है नगर वन योजना का शुभारंभ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ उपलक्ष्य पर आज जो हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन किए गए हैं, इसका कंसेप्ट, इसका अवधारणा के बारे में कुछ हम बताना चाहेंगे। नगर वन नाम से ही स्पष्ट है, जो नगर यानी सिटी, शहर के आसपास अवस्थित वन है, उसको संरक्षित, संजोने और उसमें वृद्धि करने के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं और उसमें क्या हम लोग महत्वपूर्ण इनपुट दे सकते हैं, उसको लेकर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। तो इस अवसर पे मैं एक आप लोगों से अपील भी करूंगा कि हजारीबाग के जो भी आमजन अपने कनेरी पहाड़ और इससे आसपास सटे हुए जितने भी जंगल हैं, जगदीशपुर, जबरा, कोर्रा और इसके आसपास के पुंदरी वगैरह के एरिया को, जो कि इस हजारीबाग शहर की हृदय के रूप में जाना जाता है, लंग्स ऑफ द सिटी के रूप में जाना जाता है, इसको संरक्षित करने के लिए आप अगर अपना कोई महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहेंगे, निसंदेह मेरे जो सरकारी मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपके फीडबैक को लूँगा। अब बात ये आती है कि नगर वन का ये कंसेप्ट आया क्यों। एक पुरानी योजना को नया स्वरूप, नया मूर्त रूप देने की बात कही गई थी। कनेरी पहाड़ को संरक्षित करने की दिशा में हम लोगों ने कई स्टेप्स और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उस सब का एक समागम आज एक नगर वन योजना के रूप में देखने को हम लोग को मिल रहा है, और जिसके एक पहलू के रूप में आज हम लोग वृक्षारोपण का भी कार्य करने वाले हैं। साथ ही साथ इस सिटी फॉरेस्ट या नगर वन जिसे कहा जाए, इसको और आगे कैसे विस्तृत रूप देना है, उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दो तीन बिंदुओं पे जिस तरह से बताया गया है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को पूरे भारतवर्ष में 75 जिला में किया जा रहा है नगर वन को, इसके अतिरिक्त 75 ऐसी और जगह हैं जहाँ पर प्रत्येक पदाधिकारी के द्वारा एक जंगल को एडप्ट किया गया है, गोद लिया गया है, यानी कि उस जंगल में संरक्षित करने के जितने भी उपाय हैं, चाहे वो वृक्षारोपण के माध्यम हो, जल या भूमि संरक्षण, सॉयल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन एफर्ट्स करना हो, या फिर वहाँ के वन्य जीवों के बारे में जो संरक्षण का उपाय किया जाना है, उसको उस पदाधिकारी के द्वारा एडप्ट किया गया है और उसके बारे में भी वहाँ पर आज कार्यक्रम हो रहा है। तो यहाँ उपस्थित सभी बुद्धिजीवी लोग, जितने भी ग्रामीण लोग हैं यहाँ से,
तो हम जानना चाहेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे, जिसके लिए अलग से इस कार्यक्रम से अलग हट करके आप लोगों से चर्चा करने का समय मिल सके। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि जिसको हम लोग आमतौर पे देखते रहें, बगल में एक सीढ़ी जाती है कनेरी पहाड़ के टॉप पर, इसको भी जीर्णोद्धार करने का और ऊपर जो गजीबो है या व्यू पॉइंट है इसको भी और किस तरह से बढ़िया कर सकें, इसकी भी योजना समर्पित है। संभवतः इस वर्ष इस योजना को हम लोग आमूलचूल रूप दे सकें, मूर्त रूप दे सकेंगे। साथ ही साथ कई और कनेरी पहाड़ की विशेषताओं में शामिल है इसका बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। महत्वपूर्ण क्षेत्र मात्र झारखंड भर में नहीं है बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत और यूं कहे तो पूरे भारतवर्ष में है। इसका कई उदाहरण ये इस तरह से मिलते हैं कि नई दिल्ली कोलकाता से कई बार महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आए हैं और यहाँ जैव विविधता पर शोध कार्य उन्होंने किया है, यानी इसकी जैव विविधता ऐसी है कि कई चीज़ अभी भी आमजनों के पास जानकारी उनकी उपलब्ध नहीं है, उसको भी हम लोग कैसे शामिल कर सकेंगे, आमजन को बता सकेंगे जैव विविधता के बारे में, उस चीज़ को भी हम लोग नगर वन में की योजना में सम्मिलित रखने का प्रयास रहेगा हमारा। साथ ही साथ कई जो ऐतिहासिक चीज़ भी यहाँ से जुड़ी हुई है वो आप लोगों को बताना चाहेंगे। एक दो चीज़ जो उसको संरक्षित करने के दृष्टिकोण से ज़्यादा प्रचारित प्रसारित भी नहीं किया गया, जैसे कनेरी पहाड़ और यहाँ का जो जंगल है एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक और बुद्धिस्ट साइट के रूप में भी रहा है। ये क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल प्रीहिस्टोरिक पीरियड में आपका मेगालिथिक साइट भी रहा है। सो इतने महत्वपूर्ण धरोहर के बीच में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि एक वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ इस योजना को हम लोग मूर्त रूप दें और आगे जिस तरह से आप लोग से फीडबैक मिलेगा उस चीज़ को हम लोग इसमें शामिल करें। सर धन्यवाद। उधर इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स में से एक विजय जी और मृत्युंजय शर्मा जी, मुरारी सिंह दिख रहे हैं जो जिनको हम जानते हैं, जो करीब 25 साल से हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, और प्यारे विद्यार्थीगण और जो आमजन यहाँ पर मौजूद हैं उनको अगर मैं संबोधित करूँ कि पर्यावरण प्रेमी प्रकृति प्रेमी जितने लोग हैं आप सभी को संबोधित करने का अवसर मिला। 2 मिनट बोलूँगा, पता है मुझे कि इन अवसरों पर जो हमारी आदत है 50 मिनट और 1 घंटा बोलने की वो सही नहीं होगी। मैं सिर्फ 2-4 बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक तो इस तरह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर केंद्र से इसकी स्वीकृति मिली और एक जोड़ने का काम किया गया कि सब जगह एक साथ इस कार्यक्रम का हो, वो इस तरह के चीज़ों के महत्व को दर्शा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो महत्व इसको प्रदान किया गया है जो वो आगे भी चलता रहे।